sorry, the number you have dialed is not in service at this time. अरे भाई साहब, आसपास कोई गैराज है क्या? मेरी कार खराब हो गई है। गैराज तो बहुत दूर है मैडम, लेकिन पीछे अपना एक दोस्त रहता है, आप कहे तो बुला लूँ। जी बड़ी मेहरबानी होगी। तब तक बैठ लीजिए, मैं फोन करके बुला लेता हूँ। ठीक है। स्विफ्ट है, सामने खड़ी है। ठीक है, आ जाओ। ये लीजिए मैडम, गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया। फोन किया था उनको, आ रहे 5 मिनट में। ठीक है। बोलो भाई, कौन सी गाड़ी है? हाँ ये गाड़ी है, ये मैडम की। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मुरली भाई, एक चाय पिलाइए गर्मा गर्म। आपकी चाय। शुक्रिया। दुकान पे हो? कमाल है यार, चाय के पैसे भी नहीं दिए। कीमत चुकानी पड़ती है हर रोज यहाँ। रिश्तों के बाजार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। क्या? आओ मेरा अकाउंट में लिख लो।
आराम से। तुम्हारी वजह से बिजली का बिल कितना आ रहा पता है? वैसे सही समय पे आई हो। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अपनी नई कविता। डैडी मेरी शादी फिक्स करे समर। तुम्हें कुछ नहीं कहना है? शायद नहीं, ये शायद बहुत कुछ, पता नहीं। अभी भी देर नहीं हुई समर। हाँ देर तो नहीं हुई है, पर ना अभी तक मेरी नौकरी लगी है ना ही लॉटरी। तुम हमेशा क्यों रोते रहते हो? ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। चलो कहीं भाग चलते हैं, यहाँ से दूर, बहुत दूर। वहां जाके सबसे पहले हम मंदिर में शादी करेंगे, फिर तुम कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेना, उसके बाद हम हंसते खेलते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। इसमें हंसने की क्या बात है? कोई बॉलीवुड मूवी देखकर आ रही हो क्या? मैं मजाक के मूड में नहीं हूं समर। मम्मी डैडी कहते हैं लड़का बहुत पैसे वाला है, शहर में अपना घर है, अपना बिजनेस है, तो क्या करूं मैं? नहीं करनी मुझे उससे शादी। कर लो सारा। शादी कर लूं उससे? हाँ। तुम दुनिया के पहले आशिक होगे जो अपने प्रेमिका को ऐसे सजेशन दे रहे हो। किसी और से शादी करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। तुम सुसाइड नहीं करोगी, ये मैं जानता हूं। तुम सब जानते हो, बस मेरा दिल का हाल नहीं जानते। काश मैं तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानता। सच सच बताओ समय, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? इस सृष्टि की सबसे दुर्लभ चीज को जितना चाहा जा सकता है ना सारा, उससे कई ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम हर बात कविता की तरह क्यों कहते हो? जवाब सिर्फ हाँ या ना में दो। जानती हो सारा, आज से बहुत साल बाद जब तुम कभी सच में जान पाओगी ना कि प्यार क्या होता है, तब तुम जान पाओगी। तुम फिर कविता कहने लगे, अब मैं उस मूड में नहीं हूं। सीधे सीधे जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अब इस आस का क्या मतलब? हाँ यानी नहीं। ठीक है, जा रही हूं मैं, अब यहां कभी नहीं आऊंगी, तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। और हाँ, कभी रास्ते में मिले तो तुम्हें पहचानूंगी भी नहीं, समझे? आप कब आए? कहाँ खोए हो? कब से बेल बजा रहा हूं? आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, चाय रहने दो, कुछ स्नैक्स बनाओ।
सारा तुम अंदर आ सकती हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ ना। अरे तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। नहीं, तुम बस किचन बता दो, चाय मैं बनाऊंगी। आज खुशी से मार डालने का इरादा है क्या? बिल्कुल। आओ। ये रहा मेरा किचन। अच्छा है। समर, समर, चाय बनाओ ना। यार हमेशा मैं ही बनाता हूँ, आज तुम बनाओ चाय। चलो कहीं बाहर चलते, चाय पी के मैं घर चली जाऊंगी। अब ये मत बोलना कि तुम्हें चाय बनाने नहीं आती। हाँ नहीं आता तो? खाना बनाने आता है? नहीं आता। नहीं वो भी नहीं आता तो? नहीं तो कुछ नहीं। नहीं तो बोलो ना, चाय बनाने नहीं आती, खाना बनाने नहीं आता तो शादी नहीं करेगा मुझसे? मैंने इसे कब कहा? तुम्हारा तो वही मतलब था। अरे नहीं मेरी माँ, तुम कुछ मत करना, सब मैं ही करूंगा। खाना भी मैं बनाऊंगा, चाय भी मैं बनाऊंगा। तुम मस्त दिन भर आराम करना और मुफ्त की रोटियां तोड़ना। ए मिस्टर, कहाँ खो गए हो? दिन में ख्वाब देख रहे हो क्या? जब हकीकत तुम हो तो कोई बेवकूफी ख्वाब देखकर वक्त बर्बाद करेगा। और बताओ कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। तुम बताओ, सुना है बहुत बड़े राइटर हो गए हो। सुना है यानी पढ़ा नहीं है? अब पोइट्री में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, या शायद कभी था ही नहीं। वो तो बस मैं तुम्हें रुक क्यों गई? अब सोचती हूँ तो हंसी आती है। अजीब पागल थी ना मैं, तब तुम्हारी आंखों से दुनिया देखती थी।
और अब पता नहीं। पति की आंखों से देखती हो? तुम्हें ऐसे क्यों लगा? ये भी तो हो सकता है कि मेरी इच्छा ही मर गई हो। दुनिया को देखने, सुनने या समझने की। चार ही साल में काफी समझदार हो गई हो तुम। चार साल सुनने में कम लगे तो दिन गिन लो। 1460 दिन। उम्मीद है ये कम नहीं लगेंगे। वो सब छोड़ो, तुम पुणे में क्या कर रहे हो? मैं पुणे एक अवार्ड सेरेमनी के लिए आया था। मेरी किताब को अवार्ड मिला है। कॉन्ग्रेट्स, इसे तो मैं जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू। जानती हो, पुणे मुझे पहले दिन ही काफी अच्छा लगने लगा। 2 दिन के लिए आया था और यहीं ठहर गया। 6 महीने हो गए आज, और आज तुमसे मिलकर पता चला कि पुणे पहले दिन ही क्यों अच्छा लगने लगा था। तुम अब भी नहीं बदले, बात बात में कविता। लेकिन तुम बदल गई हो। अब तुम कविताओं का मर्म समझने लगी हो। अब मुझे चलना चाहिए। फिर कब मिलोगी? शायद कभी नहीं। आज तुम्हारे शायद ने मेरी जान बचा ली। बाय। अच्छा सुनो। हाँ जी। कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? आराम से खाओ। बड़े खुश नसीब हैं आपके पतिदेव। अच्छा, और वो कैसे? इतना स्वादिष्ट खाना जो बनाती हो। क्या हुआ सारा? कभी तारीफ नहीं करते मेरे खाने की। सारा, एक बात बोलूं? बोलो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। तुम्हारे पति को पता चला तो बुरा मान जाएंगे वो। बुरा मानने के लिए वो यहां होने भी चाहिए ना? मतलब? दिल्ली गए हो कुछ दिनों के लिए। तो क्या अकेले हो तुम? अकेले कहाँ हो? तुम हो ना मेरे साथ।
चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाहर कहाँ? तुम चलो बस। समर, एक बात पूछो। हाँ पूछो। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी करने के लिए प्यार होना जरूरी है, और तुम्हारे जाने के बाद किसी से प्यार हुआ ही नहीं। तो क्या तुम अभी मुझसे प्यार करते हो? मुझे भूल जाओ समर, शादी करके अपना घर बसा लो। जैसे तुमने बसाया। मैं जानता हूं सारा कि तुम खुश नहीं हो। मैं खुश हूँ समर, बहुत खुश हूँ। कहाँ से आ रहे हो? बस यूं ही। चलो एक एक कप चाय हो जाए। आज चाय से काम नहीं बनेगा मुरली भाई। चलो फिर बोतल खोलते हैं। चलो। आप कब आए? कहाँ से आ रही हो? वो मैं मेरी सहेली के यहाँ से आ रही हूँ। कहीं तुम्हारी सहेली का नाम समर तो नहीं? कौन है ये समर? मैंने पूछा कौन है ये समर? क्या करेंगे आप जानकर? तुम मेरी पत्नी हो, मुझे यह जानने का पूरा अधिकार है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम किससे मिलती हो, क्यों मिलती हो। पत्नी अधिकार? पत्नी के अधिकार के नाते एक सवाल पूछूं आपसे अनुराग साहब? पूछो। प्यार करते हो आप अपनी पत्नी से? क्या हुआ अनुराग साहब, जवाब नहीं है आपके पास? प्यार की परिभाषा क्या है तुम्हारी? प्यार तो प्यार होता है, उसकी कैसी परिभाषा? तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया है मैंने, गाड़ी बंगला ऐशो आराम, किस चीज की कमी है तुम्हें? और प्यार?
प्यार से कभी दो पल बात की है मुझसे? कभी कहा है कि मैं आज खूबसूरत लग रही हूं? कभी मेरे खाने की तारीफ की है? कभी ये जानने की कोशिश की है कि मैं खुश हूं भी या नहीं? ओ कम ऑन सारा, डोंट बी सो चाइल्डिश। पति पत्नी है हम, किसी हिंदी फिल्म के लव बर्ड्स नहीं। बिजनेसमैन हूं मैं, सैकड़ों काम होते हैं मुझे, एक एक मिनट कीमती है मेरा। और मैं, मेरी क्या कीमत है आपकी नजरों में? तुम चाहती क्या हो? काम धंधा छोड़ दूं और किसी सड़क छाप आशिक की तरह प्रेम गीत गाता फिर तुम्हारे पीछे, शायरी लिखूं तुम्हारी खूबसूरती पे? अगर यही सब चाहिए था तो कर लेती किसी फकीर शायर से शादी, मुझसे क्यों की? वही तो गलती हो गई मुझसे। शर्म नहीं आई तुम्हें शादीशुदा होते हुए किसी गैर मर्द के साथ संबंध रखते हुए? वो कोई गैर नहीं है और मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है जिससे मुझे या किसी और को शर्मिंदा होना पड़े। गैर नहीं है तो कौन है? कोई नाम है तुम्हारे इस रिश्ते का? अभी नहीं है पर जल्दी होगा। सर्द हवाएं हैं पर तेरी यादों में तपश बहुत है। मिले अगर हम कहीं तो इस बात पे रंजिश बहुत है। वाह क्या बात है समर बाबू, आपका जवाब नहीं, वाह। यादों की रंजिश है या मेरे इंतजार का इम्तिहान जो अब तक ना मिट सके तेरे कदमों के निशान। वाह समर बाबू, आपने तो महफिल में आग लगा दी, घायल कर दिया आपने। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो भाई। आप जो ये बेहतरीन दर्द भरी शायरी करते हो, इसके पीछे किसकी प्रेरणा है? है कोई? मैं बताऊं कौन है? वो जो उस दिन हमारी चाय के दुकान पे आई थी मैडम, वही है ना? सही पहचान है ना? वाह मुरली भाई, आपको तो सब पता है। इसी बात पे चीयर। आपकी शायरी के नाम। क्या हुआ सारा? मैंने तुमसे झूठ कहा था समय कि मैं खुश हूं, मैं जानता हूं। तुमसे गुस्सा होके मैंने अनुराग से शादी तो कर ली पर एक पल भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। तुम यकीन करो या ना करो, हर पल हर वक्त मैं यही सोचती रहती थी कि कभी किसी दिन तुम आओगे और मुझे इस कैद से आजाद करके लेके जाओगे। मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं सारा, चलो मेरे साथ। I love you so much.
जी आप कौन? मेरा नाम अनुराग है। सारा का पति। तुम्हें समर हो? हाँ कहिए, कैसे आना हुआ? सारा की जिंदगी सजाने की क्या कीमत लोगे? क्या कीमत दे सकते हैं आप? भर लो अपनी कीमत। शुक्र है हंसी बाजार में नहीं बिकती, वरना लोग गरीब से ये भी छीन लेते। मैं आपकी तरह बिजनेसमैन तो नहीं अनुराग साहब, पर यह जानकर बेहद हैरान हूं कि आप खुद की बीवी मुझसे खरीदने आए हैं। नादान है वो, बहक गई है। तुमने बहकाया है उसे। हम क्या किसी को बहकाएंगे, हम तो खुद बहके हुए हैं। सारा की जिंदगी से जाने की कीमत बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी ये बकवास सुनने का। ये खरीदने बेचने का कारोबार आप जैसे व्यापारी करते होंगे, हम जैसे फकीर शायर नहीं। क्या दे सकते हो तुम इसे? खुश रह पाएगी वो तुम्हारे साथ? आपने तो सब कुछ दिया था उसे, क्या वो खुश है आपके साथ? कुछ कपड़े लेके जा रही हूँ और कुछ भी नहीं, चाहे तो चेक कर लो। तुम्हें क्या पता सारा, तुम क्या ले जा रही हो? बाय। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ मुरली भाई, अपने गांव लौट रहा हूं। रुक जाते कुछ और दिन? नहीं भाई, जिस काम से आया था वो हो गया, अब जाना पड़ेगा। ये आपके फ्लैट की चाबी। थैंक यू, बहुत मदद की आपने मेरी। थैंक यू बोल के क्यों शर्मिंदा कर रहे हो समर बापू? जाने से पहले एक आखिरी मदद करोगे मेरी? जरूर। मैडम ये आपके लिए, समर बाबू देखे गए हैं। समर कहाँ है? वो तो अपने गांव चले गए।
चलो चलता हूँ। जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है सारा। इतने साल मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करता रहा, पर अब जब तुम लौटना चाहती हो तो मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। उस दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं जा रहा हूँ। अपना हिसाब बराबर हो। ये क्या कर रही हो सारा? अनुराग, आप क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते। ऐसा मत कहो सारा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सारा, मुझे फर्क पड़ता है। आई लव यू। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। वो पूछती थी अक्सर, मैं ही समझ ना पाया। हम किसी और के हो जाएं तो फिर क्या करोगे? आई लव यू सारा। चलो अपने घर चलो। क्या दे सकते हो तुम उसे? खुश रह पाएगी वो तुम्हारे साथ? आपने तो सब कुछ दिया था उसे, क्या वो खुश है आपके साथ? तुम समझते क्यों नहीं, मुझे उसकी जरूरत है और उसे मेरे प्यार की जरूरत है। ऐसा मत करो समर, बहुत बदनामी होगी मेरी, लोग थूकेंगे मुझ पे ये कहकर कि मैं अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया। प्लीज हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, मेरा घर मत उजाड़ो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अनुराग बाबू। कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे? सारा की जिंदगी से दूर चले जाओ। सारा मेरा प्यार है और उसे इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है समर, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं सारा की जिंदगी प्यार और खुशियों से भर दूंगा। मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारी याद तक नहीं आएगी। मुझे एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने का। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं तुम्हें मौका नहीं देता, सारा को लेकर चला जाता। दिल खुश कर दिया अनुराग बाबू, आपकी सारा, आपको मुबारक। थैंक यू, तुम जानते नहीं तुमने आज मुझे क्या खुशी दी है। थैंक यू समर।
तेरे हाथों की वो मेहंदी, तेरे पैरों की वो पायल, तेरे माथे का वो सिंदूर, तेरे आंखों का वो काजल। मैं बन न सका, मैं बन न सका, ना आंसू होंगे ना दर्द होगा, ना तू पछताएगी ना मैं रोऊंगा। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म तुझे मेरी होना होगा। तेरे माथे का वो सिंदूर, मैं बन ना सका, मैं बन ना सका।